डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे और बजट पेश हुआ है। अब इस पर बहुत सारे प्रश्न आपके निकल कर आ रहे थे, पेड कोर्स में भी, यूट्यूब पर भी, टेलीग्राम पर भी, और ये जेन्युइन भी है, क्योंकि हाल के वर्षों में इकोनॉमी सेक्शन में स्पेशली वो भी करंट में इकोनॉमिक सर्वे और बजट से लगातार प्रश्न आ रहे हैं और इनकी संख्या बढ़ रही है। विशेषकर पीसीएस के एग्जाम जब आप देते हैं तो इसमें कहीं ज्यादा 4-5 भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज से हमने ये निर्णय लिया कि ये चूंकि बहुत ही मेसी है, बहुत ही दुविधा पूर्वक है कि किस मैगजीन से पढ़े, कहां से पढ़े, और कई बार तो पूरा पढ़ जाने के बाद भी लगता है कि जिस्ट निकल कर नहीं आया, समझ में नहीं आया कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये निर्णय लिया कि ये समस्या आज से आपकी समाप्त हो गई, आप छोड़ दीजिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट, आप छोड़ दीजिए। हम आपको इतना करा देंगे आने वाले दिनों में अपने लेवल बेस्ड पे, जितना हमारा सामर्थ्य है, कि आपके होपफुली इकोनॉमिक सर्वे और बजट से प्रश्न नहीं छूटेंगे। ये आज आप नोट कर लीजिए, इतना हम करा देंगे आपने लेवल बेस्ट पे, आप छोड़ दीजिए। बहुत कुछ है इसमें करने को, याद करने को, दिमाग एकदम बिल्कुल पक जाता है, फ्राई हो जाता है। ये दो सेगमेंट आप छोड़ दीजिए, बाकी आप कीजिए जितना आपको करना है। ये हम क्रमशः रेगुलर एपिसोड्स में लेकर आएंगे आने वाले दिनों में, और ये हम आपका करवा देंगे इकोनॉमिक सर्वे और बजट। तो ये चिंता आप छोड़ दीजिए। फिर भी आप करना चाहें तो देखिए, प्रतियोगिता दर्पण जो मार्च वाला है उसमें बहुत अच्छा डिटेल्स में आया, 7-8 पेजेस में इकोनॉमिक सर्वे। प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली वाला आता है उसमें 7-8 पेज में इकोनॉमिक सर्वे है, 7 पेज में बजट है, तो बहुत अच्छा दिया हुआ है। क्रॉनिकल में बहुत अच्छा दिया हुआ है, और दृष्टि में भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, मंथली जो आता है, और फिर वार्षिकांक वाली मैगजीन में सारे में है, लेकिन उतना अच्छा नहीं, यही समस्या हो जाती है। एनीवे, हम आपको करवा देंगे। जो लोग हम पर निर्भर रहे, बिल्कुल आप इत्मीनान रहे, अच्छा हम लोग करेंगे, सारे फैक्ट्स कवर करने का प्रयास करेंगे। अब बात आती है, आज हम इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे क्या है, कहें आर्थिक सर्वेक्षण, तो ये क्या है? तो आर्थिक सर्वेक्षण देश की अर्थव्यवस्था पिछले साल कैसी रही, इसका खाका होता, रिपोर्ट कार्ड, या शॉर्ट में कहें तो देश की अर्थव्यवस्था पिछले साल कितनी सेहतमंद रही, हेल्दी रही या बीमार रही, ये पता चलता है। तो ये हेल्थ कार्ड है अर्थव्यवस्था का, यानी उद्योग, व्यापार, कृषि, आयात निर्यात, इन्वेस्टमेंट, सेवा क्षेत्र में देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में चली, यह बताता है आर्थिक सर्वेक्षण। यानी आर्थिक सर्वेक्षण बजट से एक साल पहले का खाका होता है, जबकि बजट आगे के साल का खाका या प्रस्तुतिकरण होता है। आगे के सालों में किस तरह से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, कहां कहां कितने पैसे खर्च होंगे, ये बजट बताता है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है कि पिछले साल जो बजट आया था, उस बजट के बाद देश की अर्थव्यवस्था कितनी सुधरी, कितनी आगे बढ़ी, या देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में चली। तो ये हेल्थ कार्ड है देश की अर्थव्यवस्था का पिछले साल का। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे इस बार जो आया वो 2021-22 का आया, 2021-22 का। बजट आया 2022-23 का, 2022-23 का, यानी एक साल बाद का, आने वाले साल का बजट आया। इकोनॉमिक सर्वे जो साल बीत गया उसका रिपोर्ट कार्ड है। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे कब आया, 1950-51 में सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे आया। अब ये दो साल क्यों लगा होता है, चाहे बजट या इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो 50-51 क्यों हम कहते हैं, 2021-22 क्यों कहते हैं? ये इसलिए कि आप जानते होंगे कि देश की सरकार का जो वित्तीय वर्ष है वो 31 मार्च से 1 अप्रैल है। 31 मार्च से 1 अप्रैल भारत सरकार का फाइनेंशियल ईयर है, यानी जिस एक साल में सरकार अपना बजट बनाती है, पूरा रूपरेखा तैयार करती है देश की अर्थव्यवस्था का, वो 31 मार्च से 1 अप्रैल का होता है। अब देखिए, इसमें दो साल आ गया, 31 मार्च का मतलब यह 3 महीना निकल गया उस साल का, तो ये अगले साल का 3 महीना होता है 31 मार्च से 1 अप्रैल, और ये 2 साल आ जाने के कारण, इसीलिए किसी भी इकोनॉमिक सर्वे या बजट में 2 साल लगा होता है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे आया 1950-51 में, 50-51 में, लेकिन तब ये बजट के साथ आया था, ये बजट का ही भाग था, अलग से नहीं आता था। अलग से आने लगा इकोनॉमिक सर्वे सेपरेटली 1964 से, 1964 में, 1964 में सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे सेपरेट आया बजट से एक दिन पहले, और यही परंपरा अब चल गई कि इकोनॉमिक सर्वे बजट से ऑलमोस्ट यूजुअली एक दिन पहले आता है और बजट एक दिन बाद आता है। 31 जनवरी 2022 को इस बार का इकोनॉमिक सर्वे आया है, और बजट कब आया, 1 फरवरी को, एक दिन बाद। तो ये सब पॉइंट करने वाली बातें हैं। दूसरी बात कि इकोनॉमिक सर्वे कौन जारी करता है,
कौन प्रस्तुत करता है? तो ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा, लेकिन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के आर्थिक मामलों के विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर उनके आर्थिक विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, यह वित्त मंत्रालय जारी करती है, लेकिन यह तैयार होता है वित्त मंत्रालय के मुख्य अर्थशास्त्री मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर उनके भी आर्थिक मामलों के विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसमें बहुत सारे विभाग हैं, तो इसका भी आर्थिक विभाग के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण तैयार होता है। भारत सरकार के आर्थिक मंत्रालय उनके मुख्य अर्थशास्त्री के अधीन, उसमें भी आर्थिक मामलों के विभाग, अब विभाग कई हैं, तो उसमें भी आर्थिक विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। उम्मीद है कि अब यह क्लियर हो गया होगा। इस बार तैयार किया गया मुख्य आर्थिक सलाहकार के अधीन नहीं, उनके निगरानी में नहीं, क्योंकि मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम ने त्याग पत्र दे दिया था ठीक बजट से पहले, ऐसे में तो यह पद खाली हो गया। इसलिए इस बार मुख्य आर्थिक सलाहकार नहीं, प्रधान आर्थिक सलाहकार के अधीन उनकी निगरानी में इस बार का इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ है। यह आप समझ लीजिए, हर साल जो इकोनॉमिक सर्वे पेश होता है, तैयार होता है, पेश नहीं तैयार होता है, वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के अधीन। इस बार मुख्य आर्थिक सलाहकार के त्यागपत्र दे देने के कारण प्रधान आर्थिक सलाह प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर के अधीन यह तैयार हुआ है। सडनली एक और प्रश्न आ जाता है कि देश के कौन मुख्य आर्थिक सलाहकार है, क्योंकि के सुब्रमण्यम ने तो त्यागपत्र दे दिया, उनके जगह पर कुछ दिनों के बाद अभी नए आए हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार के, अनंत, ये नाम याद रख लीजिए, अनंत अब भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तब प्रधान आर्थिक सलाहकार कौन है? तो ये है संजीव सान्याल, केंद्र सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार हैं संजीव सान्याल। तीन नाम आपको याद रखना है, त्याग पत्र दे दिया के सुब्रमण्यम ने, अभी मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन है, प्रधान आर्थिक सलाहकार प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर है कौन है? तो ये संजीव सान्याल है। तो ये अब आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। दूसरी बात कि ये संसद में प्रस्तुत किया जाता है, संसद में, संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करती हैं संसद में, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद यह प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में और तब राज्यसभा में, तो यह संसद में पेश किया जाता है। इस बार जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ इसका एक थीम था, हर बार का एक थीम होता है, यानी इसका मूल विषय क्या था, इस बार का जो मेन थीम था इकोनॉमिक सर्वे का वो था त्वरित दृष्टिकोण, अजाइल अप्रोच, त्वरित दृष्टिकोण, अजाइल, अजाइल माने फुर्तीला, अजाइल अप्रोच, ये इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण का मेन थीम था, मुख्य थीम था, मूल विषय था। तो ये था इस बार के 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण का लेखा जोखा, एक ब्रीफ नोट जिसे आपको हर पॉइंट को बिल्कुल याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी में से उम्मीद है कि एक क्वेश्चन तो बन जाता है कि कब पेश हुआ, तो 31 जनवरी को, और भी कई सारे डेटा, दूसरे डेटा को हम अगली बार लेकर आएंगे और क्रमशः हम लेकर आते रहेंगे ताकि इसके मेन पॉइंट्स आप जान लें और इतना जान लें कि होपफुली एग्जाम में इसके प्रश्न आपसे ना छूटे। टेक केयर।